मथुरा के पुलिस लाइन सभागार में आज जन साहस मथुरा संस्था द्वारा एक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध को लेकर मंथन किया गया। प्रशासन और संस्था किस तरीके से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम कर सकता है, इस पर मंथन किया गया और एक समन्वय बनाकर यह तय किया गया कि हम मथुरा को बाल अपराध और महिलाओं के अपराध से मुक्त कराएंगे। इसके लिए हमें जागरूकता भी फैलानी होगी और लैंगिक भेदभाव जो किया जाता है उसको भी रोकना होगा। इस कार्यशाला में पुलिस विभाग के कई बड़े आलाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में यह तय किया कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के ग्राफ को नीचे लाया जाए। ये है कि उसको यहाँ रोजगार न मिल पाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रोजगार यहाँ नहीं मिल पाए। जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता है तो देखा वो राशन कार्ड है जो कि मैं अपने डीलर के यहाँ से ला करके राशन ले सकता हूँ, ये भी सबको पता है। सबको ये भी पता है कि अगर मेरी बेटी की शादी होनी है तो मुझे 55,000 रुपये शादी के लिए मिल जाएगा राशन कार्ड के लिए, ये लोगों को पता है। बट उनको ये पता नहीं है अगर मेरा राशन कार्ड बनेगा उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या। सब नाम है जी, मेरा नाम दिलीप पाठक है जी। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे जी? ये जो अभी जो हम कार्यक्रम जो हमने ये कार्यशाला की है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, इसमें और भी विभाग से अधिकारी हमारे साथ में हैं, जिसमें कार्यशाला में हमारा मुख्य जो उद्देश्य ये है कि हम शासन प्रशासन के साथ में मिलकर के जो भी होने वाली ये हिंसा है बालिका और महिला हिंसाओं को लेकर के, इनको हम किस तरीके से हमको जो रोकने पाएँ जी। जैसा कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो है समय समय पर जो है जगह छापेमारी भी की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब लेदे के मामला फिट हो जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? ऐसा नहीं है, खैर लेदे करके मतलब मामले को रफातफा नहीं किया जाता, उनमें कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और हम लोग खुद शासन प्रशासन के साथ में मिल करके जो भी चाइल्ड लेबर है या बॉन्डेड लेबर है उसको लेकर के हम लोग खुद गाँव में जगह जगह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बैठक करके और जो भी वहाँ के जो गार्जियंस हैं बच्चों के उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चाइल्ड लेबर का केस अगर न निकल के आए, अगर कहीं पर भी कोई अगर ज़बरदस्ती तरीके से अगर कोई कराता है तो हमारा एक मजदूर हेल्पलाइन नंबर भी चलता है जो 1800-2211 है और उसके माध्यम से भी हम लोग शासन प्रशासन के साथ में मिलकर उसको रोकने को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। बात करें बाल मजदूरी की तो एक बैंड वालों के ढगेलों के साथ में लाइट उठाने वाले भी अधिकतर बच्चे ही होते हैं, उनके तरफ किसी का कोई अधिकारी का कोई संस्था का कोई ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं है, उनके पास में अधिकारी भी पहुंचते हैं और हम लोग भी ज़्यादातर पहुंचते हैं, तो हम लोग जो भी उनके गार्जियंस हैं उनको ज़्यादातर हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं और ऐसे बच्चों को हम काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी एजुकेशन के लिए जोड़ा गया है कि वो बाल मजदूरी को छोड़कर और स्कूल के प्रति जाने की कोशिश करें। अधिकतर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर ही बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादातर ये चीज़ है, तो हम लोग एक ज़मीनी स्तर पर गाँव लेवल पर जा करके उनके झुग्गी झोंपड़ी में पहुँच करके हम लोग अवेयरनेस कैंप चलाने को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि इस पर रोकथाम की जाए। क्या सब नाम है मैडम आपका? मैं ममता चौधरी जी, बताएं मैडम। जिला समन्वय के पद पर यहाँ जनसहा संस्था में काम कर रही हूँ जी। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? हमारा ये है कि बच्चे हमारा समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है और बच्चों के साथ में हम किस तरह से अच्छे तरीके से उनको अपनी सेवाएं दे सकें, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह से ये रखता है कि हम बच्चों को किस तरह से कवर करें, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, बच्चों को लैंगिक घटनाओं से अवेयर करने का काम कर रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। आजकल साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी भी हम लोग हमारी जनसहा संस्था की तरफ से हम समाज में अवेयरनेस कैंप करते हैं और प्रशासन भी हमारा इसी काम को करता है। तो हमारा यहाँ पे आज का उद्देश्य ये है कि हम कैसे दोनों मिलके समन्वय स्थापित करके अच्छा एक परिणाम ला सकें ताकि हमारा मथुरा जिला इन चीज़ों से मुक्त हो सके, बच्चों के साथ घटनाओं में ग्राफ नीचे आए। और हमारे जनसहा संस्था का एक ये उद्देश्य भी है कि हम समाज में सभी को एक ही समानता के रूप में लेके आएं, तो उसके लिए भी हम हमारा पूरा प्रयास रहता है। और आज की कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि हम समन्वय स्थापित करके किस तरह से अपने मथुरा जिले को एक अच्छा जिला घोषित करा सके। मैडम अक्सर करके देखा गया है कि बाल मजदूरी पर कोई रोकथाम नहीं है और बाल भिक्षावृत्ति भी हो रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे हम लोग अवेयरनेस कैंप जो करते हैं उसमें हमारा बाल अधिकारों को लेकर अवेयर करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि आपके ये अधिकार हैं, हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ में चाइल्ड लेबर कर रहा है तो उसको हम पहले तो उसको ही जागरूक करें और जागरूक करने के बाद उसके माता पिता से संपर्क करके उसको
चाइल्ड लेबर का काम से छुड़वाएं और वो उसकी पढ़ाई शुरू कराएं। अगर वो पढ़ सकेगा, किस तरह से हमको उसको शिक्षा से जोड़ना है वो हमारा भी काम है। शासकीय योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, किसी भी योजना के जरिए से उसको हमें शिक्षा से जोड़ना है ताकि वो बच्चा चाइल्ड लेबर में ना आए और अपना अच्छा एक जीवन आगे शुरू कर सके। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न चित्रित पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा, मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे।